अन्य भक्तों 10 तारीख तक थम जाओ, नड़के की बजेगी इतनी हाथी और उसके बाद थारी तार जगह पत्ती। चल सन्यासी मंदिर में, क्या करना चलेगा? चल सन्यासी मंदिर में, बताओ। मैं बता रहा हूँ, बताने नहीं देंगे। देखो जो इन क्या ये ठोको नीति है, सिर्फ ठोको नीति, जो भी विरोधी है उसे पकड़ो ठोक दो। पुलिस को खुली छूट दे रखी, पुलिस आज के टाइम में सबसे बड़ी गुंडी है। और दूसरी बात यह है कि जो केपी मलिक है ना, पूर्व विधायक, जो विधायक था, मन में संशय है उसे खत्म कर दे। नहीं, वो विधायक है ना, वो निष्क्रिय रहा है बड़ोत में, वो निष्क्रिय रहा है। मजबूरी हो गई आपको, अधिवक्ता खड़ा हो गया तो आपकी बार। नहीं, वो निष्क्रिय रहा है, वो निष्क्रिय रहा है। मुकाबला काटे का है, कोई भी जीत सकता है। कोई भी जीत सकता है। हमारे साथी हैं, जिला बारसन बागपत के पूर्व अध्यक्ष हैं, 3 बार हमारे यहाँ अध्यक्ष रह चुके, और ये जो विकास कार्य आप यहाँ देख रहे हैं, जो हरियाली आप देख रहे हैं, वो सब उन्हीं की देन है। और ये तो हमारे पवार साहब हैं, दरअसल ये एडीजीसी हैं, इसलिए बार बार ये बीजेपी कर रहे हैं। हम और कहीं की बात नहीं करना चाहते हैं। मजबूर है ये, मजबूर है। क्यों भाई मजबूर है आप? मजबूर नहीं है, मजबूर नहीं है, मजबूर नहीं है, कोई मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी। ये एडीजीसी है लेकिन हम एडीजीसी नहीं है, हम एडीजीसी नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन हम बता रहे हैं आपसे, यहाँ 3 विधानसभा है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपका भी छोटा भाई हूँ। 3 विधानसभा है, बड़ोत, छपरौली, बागपत। बड़ोत कहीं चली जाओ, सॉरी छपरौली कहीं चलो, बड़ोत से जयवीर तोमर जीते। ये कपिल गुर्जर एडवोकेट हैं, इनका नाम नोटरी में गया हुआ है। नहीं जी, फार्म भरा हुआ है। मेरा जो नाम है ना, तो मेरा नाम नोटरी में ना किसी चीज। बड़े श्रम की बात है कि हमारी ये नोटरी वगैरह का जिक्र कर रहे हैं। हम अधिवक्ता है, हम नोटरी अधिवक्ता बनेंगे। हम इनके इनका हमें इनका इनका ऑपरेशन नहीं चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी में ये क्या है हम जानते हैं। हमें जरूरत नहीं है कि नोटरी में हम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। हमारा हम सरकार में है, सरकार किसी भी आएगी, हम नोटरी बनने का हमारा राइट है। और जो नंद किशोर गुर्जर हैं, विधायक है लोनी से, उनके छोटे भाई हैं। अच्छा मोदी जी, क्या विधायक का भाई होना पाप है क्या? क्या विधायक के साथ हो रहे? भारतीय जनता पार्टी की आप कमजोरी बताएं, आप व्यवस्थाएं बताएं। कितने गठबंधन साथ बताओ, एक बार खड़े होकर। साथ कितने? तीन वोट। मैं बताता हूँ, जो बीजेपी है और गठबंधन की ये बात कर रहे हैं, बीजेपी की सबसे बड़ी गलती बस एक ही है, विकास के तौर पर नहीं। बीजेपी ने सबसे बड़ी जो गलती, और जिसकी वजह से उसे सीट कम मिलेगी और वोट कम मिलेगी, वो सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने पुलिस को इतनी छूट दे दी कि उसने जो गरीब है ना, जितने भी यहाँ पे गरीब हैं, पुलिस वाले ने उन्हें पकड़ के सब पे केस फर्जी मुकदमे लगा दिए। ढील दे रखे ना, गुंडाराज खत्म करवा रहे हैं। अजी गुंडा, अरे सुन तो ले भैया, सुन तो ले, अभी मर्यादा सुनो। जो छूट गुंडों को दे दें क्या? पहली सरकारों में छूट गुंडों को दी जाती थी। अब पहले सरकारों इस बार जो पुलिस वाले इनको छूट दी है, मैं मानता हूँ पुलिस वाले इनको छूट देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस छूट का जो है दुरुपयोग करा है। और इस उस उन्होंने जो है, जो गुंडे हैं उन्हें तो बचा दिया, और जो निर्दोष है उन्हें फंसा दिया। लेकिन देखो हम स्पष्ट, सुनो, हम एक ही बात कहेंगे, हमारे जो वोट जाएगी वो जयवीर सिंह तोमर को जाएगी, लेकिन हम सपोर्ट जो है बीजेपी को करेंगे। लेकिन हम जो जिताएंगे, हम जो जिताएंगे, अभी दो दिन पहले लखीमपुर में एक 16 साल का नाबालिग लड़का पुलिस ने पीट पीट कर थाने में हवालात में पीट पीट कर मार दिया। क्या ये ठोको नीति है? सिर्फ ठोको नीति, जो भी विरोधी है उसे पकड़ो ठोक दो। पुलिस को खुली छूट दे रखी, पुलिस आज के टाइम में सबसे बड़ी गुंडी है। और ये अंधभक्त हैं, इनका क्या काम है? सेंटर में हो या स्टेट में हो, कोई भी काम हो, इनके पास अगर कोई भी इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका ही जवाब नहीं देंगे। सिर्फ इनके पास एक ही जवाब होगा, इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। एक मिनट, अंधभक्तों 10 तारीख तक थम जाओ, नड़के की बजेगी इतनी हाथी और उसके बाद थारी तार जगह पत्ती। इधर जा कहाँ रहे हैं? मतलब भाजपा की पत्ती उतरने वाली है? भाजपा की भी और भाजपा के भक्तों की भी पत्ती उतरेगी, सबकी पत्ती उतरेगी। ये अंधभक्त क्या? देखो जो मेरे भाई ने कहा ना, मेरे भाई ने कहा ठोको की नीति है, सच्चाई है। देखो जो अपराधी है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, कोई सुनो, इसमें बहुत से लोगों ने कहा मोमडनों के इनकाउंटर, ऐसे नहीं है।
इसमें विकास दुबे जैसे को मारा है, उसने वो पंडित था, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण है हमारे लिए, वो पर्दाफाश करने जा रहा था बीजेपी का, फौरन उसका एनकाउंटर करा दिया। यहाँ बागपत में एक चाय वाले थे, हमारी बार में एक भाई बेचारे चाय वाले थे, बताने नहीं देंगे। देखो जो इनकाउंटर जब विकास दुबे ने पुलिस वाले को मारा था वो पुलिस भी पंडित थे, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, ये जो हमारे भाई हैं वकील हैं, सारा काम अनपढ़ पढ़े लिखे बेकूफ सब बात कर रहे, ये वकील पांच तीन चार है ठहरे बीजेपी के, सो डा बीजेपी कुछ रहा हो, इन्हें नाश कर दिया, सारे किसान जान से मार दिए, ये पांच साल में एक मिसाल नहीं बढ़ाया कुछ भी नहीं। जो चरण सिंह का आया, चरण सिंह का ये दो आदमी उठाओ फिर बीजेपी सरकार आ रही है, हमारी गठबंधन की आओगी गठबंधन सरकार आओगी। हाँ अभी हमारे बड़े भाई कह के गए थे ये एडीजीसी हमें नोटरी, वो बसपा से पहले प्रशांत चौधरी को चुनाव लड़ाते हैं, उनको जिताते हैं, फिर अपना कांग्रेस से विधायक का टिकट मांगते हैं बागपत सीट से। अब ये बताओ वो कौन सी सीट में है, मुझे बुला लो भैया कांगे धामा जी, कहाँ है, आओ बुलाओ, ये तो सियासत है, इसमें तो रंग बदलना जरूरी भी है। सुनो ये हमारे काबिल दोस्त कह रहे हैं इनको ठोको नीति ठीक, ये लगाओ जब बदमाश मर रहे उनके मरने का दुख किस हो रहा, क्यों हो रहा, बदमाश सब होएगा ना, सच्चाई भी तो सामने आनी चाहिए ना। हाँ सच्चाई भी तो सामने आनी चाहिए ना, मैं बता देता हूँ इसका मतलब, अगर बदमाश मर रहे ठीक तो उनका दुख, विकास दुबे की आप बात करें, मीडिया को पास नहीं जान दिया, उनसे बात नहीं करने दी, बताइए अगर पास चले जाते जब कहते पास जाने दिया, मीडिया भी क्यों हुई थी, ठीक कुछ बताया मीडिया ने कुछ बता दिया, इन्हें तो एलिगेशन लगाएंगे, अगर झूठ कहेगा झूठ में भी पहले बता दो। विकास दुबे की बात कर रहे थे, गाड़ी अपना चलते चलते अपना पलट जाएगी, गाड़ी चलते चलते खुद पलट जाएगी, गाड़ी पलटने का इन लोगों को डर क्यों है, मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है, कुछ भी हो जाएगा, चलिए ये बागपत जिले के अधिवक्ता थे, वकील थे हमारे साथ में, उनसे हम लोगों ने बातें की हैं, सारे लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, कुछ लोग भाजपा के पक्ष में नजर आए तो कुछ जो भाजपा से खासी नाराज नजर आए। खैर ये तो 10 मार्च को पता लगेगा कि आखिरकार सूबे की सत्ता पर कौन विराजमान होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। चलेगा चल सन्यासी मंदिर में, क्या गाना चलेगा, चल सन्यासी मंदिर में, वो 10 मार्च को गाना चलेगा शाम 5 बजे, सन्यासी की जगह, और फिर बाबूजी भी हमारे साथ गाना गाएंगे चल सन्यासी मंदिर में। सन्यासी मंदिर में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। खैर बने रहिए भारत टीवी के साथ में, लेकिन अगले सेवा